हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस कुछ सेट ऑफ वीडियोस में मैं आपको मैथमेटिकल ट्रिक्स और टिप्स के बारे में बताने वाली हूँ। ये जो ट्रिक्स होंगी वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में भी मैथ्स को बहुत इजीली और बहुत ही जल्दी सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा स्कूल स्टूडेंट्स अपने मैथ्स एग्जाम्स में ट्रिक्स एंड टिप्स यूज कर सकते हैं, और जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि कैंपस की तैयारी कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट सेक्टर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके एप्टीट्यूड सेक्शन को सॉल्व करने के लिए भी ये ट्रिक्स जो है वो बहुत ही काम आएंगी आप, और इन ट्रिक्स की वजह से आप भी बहुत ही जल्दी सॉल्व करके अपना एप्टीट्यूड सेक्शन का कट ऑफ जो है वो बहुत ही इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो इन ट्रिक्स को मैं स्टार्ट करूंगी एक बहुत ही इजी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ट्रिक्स से, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, सब इन सब की ट्रिक्स बताने के बाद मैं जो है एप्टीट्यूड सेक्शन की ट्रिक्स भी जो है उसमें इंक्लूड करूंगी, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, और मैं सारे जो एप्टीट्यूड सेक्शन के जो सिलेबस है या जो टॉपिक्स हैं मैं उन सब की भी टॉपिक कवर करूंगी, और उनके लिए भी बहुत ही इजी ट्रिक्स एंड टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इन ट्रिक्स की वजह से आप लोगों के मैथ्स बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी और स्कूल स्टूडेंट्स को मैथ्स से प्यार हो जाएगा। ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो हाउसवाइफ्स या मदर्स भी यूज़ कर सकती हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और ये बहुत ही इजी होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द ट्रिक्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपको सिंपल मैथमेटिक्स जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो आता ही होगा, और मैं वो अज्यूम करते हुए इन ट्रिक्स को स्टार्ट करूंगी और बहुत ही सिंपल ट्रिक्स से शुरुआत करूंगी। हो सकता है ये इनमें से कुछ ट्रिक्स जो है वो आपको पहले से ही आती हो। सो सबसे पहले ट्रिक वन, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द मिक्स्ड नंबर्स। हमें नॉर्मल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना तो आता है, वो बहुत ईजी भी होता है, लेकिन जब मिक्स नंबर्स की बात आती है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मैथ्स वीक है या जो कंफ्यूज हो जाते हैं मिक्स नंबर्स को ऐड करने में। तो दोस्तों, इसके लिए जो सबसे पहली ट्रिक और टिप है वो ये है कि जब भी हम मिक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हम जो उनका नेचुरल पार्ट है या होल पार्ट है उसको हम अलग ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, और उसके बाद जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हम अलग और अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। तो जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं 27, 15, 12 एंड 18, ये जो है वो हमारे नेचुरल पार्ट्स हैं, इसको हम अलग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके अलावा जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है दैट इज 1/2, 3/4, 2/5 एंड 4/5, इसको हम अलग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ इस तरह के। दोस्तों, इसमें जैसे कि अब हम देख रहे हैं इसमें और भी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो छुपी हुई हैं। जैसे जब हमने मिक्स नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, इसमें हम जब देखेंगे कि कुछ ऐसे भी नंबर्स होंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, जैसे कि इस एग्जांपल में 2/5 और 4/5 है जिसका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम अलग से ऐड कर लेंगे क्योंकि ये जो है अलग से ऐड करना ईजी होगा, और उसके बाद हम अपना जो पूरा क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा आ गया 48, और यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो ये जो है हमारा -2/5 +4/5 जो है वो हमारा +2/5 होता है। यहाँ पे हम इसको ले लेंगे और उसके बाद हम करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो दोस्तों, अभी हमने दो ट्रिक्स और टिप्स को पढ़ा। पहला तो ये, जब भी हम मिक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हम उसका नेचुरल पार्ट और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको अलग अलग ऐड करें, और उसके अलावा अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं कुछ फ्रैक्शन पार्ट में तो उसको हम अलग से कर लें, तो इससे क्या होगा कि हमारी गलती करने की प्रोबेबिलिटी है जो वो भी वो आधी हो जाएगी और हमारा जो काम है वो भी काफ़ी इजी और फास्ट हो जाएगा। उसके अलावा मिक्स नंबर्स में जो एक और टिप है छोटी सी दोस्तों, वो ये है कि अगर हम देखते हैं कि मिक्स नंबर्स के फ्रैक्शन पार्ट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में जीरो हो जा रहा है तो हम पहले उस पार्ट को जो है वो कैंसिल आउट कर दें। जैसे कि हमारा एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें हम ये देख रहे हैं -1/4 +3/4 एंड -1/2 जो है, अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये टुगेदर जीरो हो जाएगा, तो हमने इन तीनों को यहीं पे कैंसिल आउट कर दिया है। यहीं पे कैंसिल आउट कर देने से हमारा प्रॉब्लम जो है वो वैसे ही छोटा हो गया है, और उसके बाद हम फिर वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने ऊपर करी थी। नेचुरल पार्ट को हम अलग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको हम अलग सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा काम ईजी और जल्दी हो जाएगा। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 1।
दूसरी ट्रिक जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम यूज करेंगे दोस्तों वो है डेसिमल नंबर्स के आइडिया सब्ट्रैक्ट करने में। बहुत से ऐसे स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो डेसिमल नंबर्स को जब एड सॉल्व करते हैं तो वो काफी गलतियां कर जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहली सबसे छोटी ट्रिक है, एक ही ट्रिक है, वो ये है कि जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं डेसिमल नंबर्स को तो जो भी हमारा ऐसा नंबर हो, मतलब जो भी हमारे जो नंबर ऑफ डिजिट्स है डेसिमल के बाद के, हम उनको इक्वल कर लें। और हो सके तो नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल के पहले हैं उनको भी अगर हम इक्वल कर लेंगे तो जो हमारी गलती करने की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में तो 437.102 जो है ये एक ऐसा नंबर है जो कि सबसे ज़्यादा डिजिट्स है जिस नंबर में, तो हम इसको ही बेस नंबर लेकर चलेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम बाकी सारे जो नंबर्स हैं डिजिट्स जो है वो उसको इक्वल कर लेंगे। जैसे कि 3.05 जो यहाँ पे लिखा हुआ है हम इसको 3.050 कर लेंगे, इससे नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन हम जो हम सॉल्व करेंगे तो वो एरर फ्री हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 003.050। ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक, क्योंकि इससे उनकी गलती करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर हम देखें तो बाकी सारे नंबर्स भी किस तरीके से हो जाएंगे, जो ये वाला नंबर है वो हमारा एज इट इज रहेगा जिसको हमने बेस नंबर माना था, और उसके बाद इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके सो दोस्तों हमारी ट्रिक नंबर 3 है, ये ट्रिक जो है वो कम लोगों को पता होगी और ये ट्रिक जो है वो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और ये बहुत ही ज़्यादा काम आती है। जब हम जानते हैं दोस्तों कि जो टेंस में जो नंबर्स होते हैं जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 500, 100, 1000, 2000, इन सबको ऐड करना जो होता है वो नॉर्मल नंबर से ज़्यादा आसान होता है और ये ज़्यादा हम जल्दी निकल जाते हैं। जैसे कोई अगर हमसे पूछता है कि 10+20 कितना होता है, हम तुरंत बोलते हैं 30 है। पर अगर किसी ने हमसे पूछा कि 12+24 कितना होता है तो एक बार हमें सोचने के लिए लगता है 12+24, उसको हम आंसर देने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो यही ट्रिक जो है इसमें इस्तेमाल की गई है दोस्तों, जब भी हम ऐसे नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें जो कि 10, 20 या इनके मल्टीपल्स के करीब हों तो हम उसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले इन नंबर्स को जो है वो इनके नियरेस्ट टेंस या ट्वेंटीज के मल्टीपल्स में लेकर आएंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में 127+28 है तो हम इसको लिख सकते हैं 130+30-3-2। छोटे छोटे नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना बहुत ईजी होता है दोस्तों, बहुत ही जल्दी। हमने इतने सालों से हम मैथ्स कर रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे दिमाग में अपने आप ही बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो अगर हम 127+28 करेंगे नॉर्मली तो उसमें हमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर हमने इसको इसके टेंस से करीब लिया है 130+30 तुरंत हमें आता है 160 एंड -5 is 155। तो इसका आंसर जैसा कि हम जानते हैं 150 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो गया। ये तो छोटा सा एग्जांपल था, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें है 478+597+19। अगर हम इसके नियरेस्ट टेंस के उसमें करके देखें तो ये 478 जो है वो 500 हो जाएगा, 597 जो है वो 600 हो जाएगा, सॉरी 478 जो है वो 480 हो जाएगा, 597 600 हो जाएगा और 19 जो है वो 20 हो जाएगा। और यहाँ पे तो बहुत ही इजी है, 480+20, 500+600, 1100 and -6 is 1094। तो इसको आप स्टॉप वॉच से भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। आप जब इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा समय लगेगा बजाय कि जो मेरी अगर आप ट्रिक लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो ये थी कुछ ट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब मैं इसके बाद आपसे डिस्कस करूंगी मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स की। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की कुछ ट्रिक्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपको अगर और भी कुछ ट्रिक्स या टिप्स के बारे में मुझसे पूछना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड में दी गई है। थैंक यू।